आ गया कड़कती धूप और तेज गर्म हवा का मौसम। सूरज दादा जो गुस्से में दोपहर के समय सभी पर आग बरसाते हैं, ऐसे में दिल करता है बस एक ठंडे कमरे में बैठकर मीठे तरबूज का मजा लिया जाए। इसलिए मैं घर से निकली और ताजा मीठा तरबूज लेने सीधा दुकानदार के पास पहुंची। अरे ये क्या, दुकानदार तो मुझे दो छोटे तरबूज 50 रुपए प्रति नग और एक बड़ा तरबूज 100 रुपए की कीमत पर दे रहा। मेरे हिसाब से जो ज्यादा वही बढ़िया, इसलिए चलो दो तरबूज लेकर घर चलें। ओह, पर क्या ये गलत चुनाव है? दिमाग लगाकर थोड़ा सोचते हैं और इस परेशानी को सुलझाते हैं। मैंने एक लंबी डोरी ली और प्रत्येक तरबूज को चारों तरफ से लपेट दिया, जिससे मुझे तीनों तरबूज की परिधि का पता लग गया और मैंने बड़े ही आसानी से त्रिज्या बराबर परिधि बटे 2π के सूत्र से हर तरबूज की त्रिज्या को जान लिया। क्योंकि तरबूज लगभग गोलाकार ही होते हैं, तो चलो इनके आयतन को निकालते हैं। किसी भी गोलाकार के आयतन को निकालने का सूत्र 4/3π त्रिज्या का घन होता है। अचंभित करने वाली बात यह है कि बड़े तरबूज का आयतन 2 छोटे तरबूज के संयुक्त आयतन से ज्यादा है। ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? खैर, ऐसी दिक्कत से बचाने के लिए आती है गणित सामने। त्रिज्या में छोटा परिवर्तन भी आयतन में बहुत बड़ा फर्क सामने लाता है, क्योंकि त्रिज्या का त्रिघातीय रूप आयतन होता है। मतलब अगर त्रिज्या 1 इकाई है तो आयतन 1 का घन माने कि 1 इकाई ही होगा। अगर त्रिज्या 2 इकाई है तो आयतन 2 का घन माने कि 8 इकाई होगा। और अगर त्रिज्या को बढ़ाकर 3 इकाई किया जाए तो आयतन होता है 3 का घन माने कि 27 इकाई, जो त्रिज्या की तुलना में बहुत बड़ा अंक है। त्रिज्या में क्रमिक परिवर्तन से आयतन में बड़ा अंतर आता है। तो ये है जीवन भर याद रखने की कुशल युक्ति। हमेशा बड़े फलों का ही चुनाव करें अगर आपको फल की अधिक मात्रा का आनंद लेना है। इसलिए गणित सीखना बहुत उपयोगी है। इस तरह के और मजेदार विज्ञान और गणित के प्रयोगों और गतिविधियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल IISER पुणे साइंस एक्टिविटी सेंटर। धन्यवाद।